हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कंबोडिया ने किया हिंदू ऐलान, देख चौंक जाएंगे हिंदू विरोधी। अरे वाह, चलो शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। जल्दी। दुनिया में लगभग 196 देश है और हर एक देश का अपना एक अलग प्रकार का झंडा है। कौन सा दिखा दिया? मोड़ी ऑफ कर दी। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि झंडे का इस्तेमाल क्यों और कब से होता है? आपको बता दें कि किसी खास भावना या मंतव्य को व्यक्त करने के लिए प्रतीकात्मक तौर पर झंडे का इस्तेमाल किया जाता है। दुनिया के इतिहास में 3000 ईसा पूर्व तक के झंडों के प्रमाण और नमूने मिलते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि मानवता के इतिहास में 5000 सालों से भी अधिक समय से झंडों का इस्तेमाल होता आ रहा है। झंडे का उपयोग कैसे, कब, कहां और क्यों प्रचलन में आया, यह इतिहास का विषय है। परंतु हम इतना कह सकते हैं कि झंडा एक प्रतीकात्मक या सांकेतिक भाषा है। उदाहरण के तौर पर युद्ध विराम या आत्मसमर्पण के लिए सफेद रंग के झंडे का इस्तेमाल किया जाता है, यह शांति का प्रतीक भी है। वहीं काले रंग का झंडा उल्टी साइड ही काला था, विरोध और शोक का प्रतीक है। लाल रंग का झंडा शक्ति और क्रांति का प्रतीक है। वहीं नीला झंडा मजबूत इरादे, आजादी और सजगता का प्रतीक है। शायद इसीलिए भिन्न भिन्न धर्मों, संस्थाओं से लेकर प्रत्येक देश का अपना एक झंडा है और इस झंडे को देखकर आप उस देश की सांस्कृतिक भावना को अच्छे से समझ सकते हैं। मौजूदा समय में दुनिया के ज्यादातर देशों के नेशनल फ्लैग्स पर धार्मिक प्रतीक चिन्ह भी अंकित है, क्योंकि दुनिया में ईसाई देश सबसे ज्यादा है, इसीलिए ज्यादातर देशों के झंडे पर ईसाईयत के चिन्ह है। दूसरे नंबर पर मुस्लिम देश आते हैं जिन पर मुस्लिम प्रतीक चिन्ह है। तीसरे नंबर पर हिंदू आते हैं, परंतु मौजूदा समय में हिंदुओं का आधिकारिक तौर पर कोई भी देश नहीं है। भारत में सबसे ज्यादा हिंदू रहते जरूर हैं, परंतु आधिकारिक तौर पर यह भी हिंदू देश नहीं है। परंतु क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसा देश भी है जो हिंदू देश तो नहीं है, परंतु इस देश के झंडे पर एक हिंदू मंदिर अंकित है। आखिर कौन सा है वह देश और कौन सा है वह मंदिर, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक और कमेंट बहुत अच्छा बनाना। जय श्री राम अवश्य लिखें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दी साइंट ऑफ हिंदू पर और मैं हूँ आपके साथ। आपको करना चाहिए जल्दी से जल्दी। पूरी दुनिया में कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसे पूर्ण रूप से हिंदू राष्ट्र कहा जा सके, परंतु आज हम आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने जा रहे हैं जहां आधिकारिक रूप से एक भी हिंदू नहीं रहता, लेकिन इस देश के राष्ट्रीय झंडे पर एक खूबसूरत मंदिर की तस्वीर बनी हुई। हम जिस देश की बात कर रहे हैं वो देश है कंबोडिया। दोस्तों, आधिकारिक तौर पर कंबोडिया एक बौद्ध देश है और यह दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिसके झंडे पर एक हिंदू मंदिर की तस्वीर है। यहाँ यह भी बताते चलें कि कंबोडिया देश के झंडे में कई बार बदलाव किए गए, लेकिन इस पर बने मंदिर को कभी नहीं बदला गया। वर्तमान समय में जो इस देश का राष्ट्रीय ध्वज है वो 1989 में बना था और इसे 1993 में कंबोडिया सरकार की ओर से मान्यता मिली थी। कंबोडिया की मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड रिलीजन के अनुसार इस देश में 93% बुद्धिस्ट लोग रहते हैं, जबकि 7% लोग ईसाई, मुस्लिम, बहाई, यहूदी और एनिमिस्ट हैं। यानी आधिकारिक तौर पर इस देश के आंकड़ों में हिंदू धर्म का कोई जिक्र नहीं। अब सवाल उठता है कि जब इस देश में एक भी हिंदू नहीं है तो इस देश के झंडे पर एक हिंदू मंदिर क्यों? पहले थे क्या सब हिंदू? दोस्तों, आपको बता दें कि कंबोडिया के झंडे पर अंकित इस मंदिर को अंकोर वाट मंदिर नाम से जाना जाता है। अंकोर वाट दुनिया का सबसे विशाल हिंदू मंदिर है जो कंबोडिया की प्रमुख पहचान। 402 एकड़ में फैले इस मंदिर का निर्माण
कब और किसने करवाया, इसको लेकर कई कहानियां प्रचलित। 13वीं शताब्दी में एक चीनी यात्री चौथा कुआन ने कंबोडिया की यात्रा की थी और उसका कहना था कि इस मंदिर का निर्माण महज एक ही रात में किसी अलौकिक शक्ति के द्वारा किया गया। परंतु इतिहासकारों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण खमेर राजवंश के राजाओं ने करवाया था। दोस्तों आपको बता दें कि अंकोरवाट मंदिर भगवान विष्णु तथा भगवान शिव को समर्पित है। इसकी दीवारों पर हिंदू धर्म ग्रंथों के प्रसंगों का चित्रण है जिनमें देवताओं अप्सराओं के अलावा समुद्र मंथन का भी दृश्य दिखाया गया है। यह मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है। मंदिर के चारों ओर सुरक्षा की दृष्टि से 330 फीट चौड़ी खाई भी बनाई गई जो हमेशा जल से भरी रहती है और दूर से देखने पर यह एक झील की तरह दिखाई देती है। इतना सुंदर है, ह्यूज है। प्रवेश के लिए पश्चिम की ओर खाई के ऊपर और पुल के बाद मंदिर में प्रवेश के लिए एक विशाल द्वार निर्मित जो कि 1000 फीट चौड़ा है। यह मंदिर काफी ज्यादा विशाल ठीक तो होता दिख ही नहीं रहा, कोई ठीक कर रहा हूँ। इतिहासकारों के अनुसार कंबोडिया का प्राचीन नाम यशोधरपुर था और यहाँ भगवान शिव विष्णु गणेश शक्ति आदि की पूजा की जाती थी। परंतु कालांतर में यहाँ बौद्ध धर्म का विकास हुआ और हिंदू धर्म धीरे धीरे विलुप्त होता चला गया। हिंदू धर्म के विलुप्त हो जाने से यह मंदिर भी सैकड़ों वर्षों तक इंसान की नजरों से ओझल रहा। कई मूवीज में भी इसमें यहाँ पे हुई होगा शूटिंग। 18वीं शताब्दी तक यह विशाल मंदिर घने जंगलों के बीच खोया रहा। वर्ष 1860 में फ्रांसीसी प्रकृति वैज्ञानिक हेनरी मोहात ने हेलीकॉप्टर से जंगल की आड़ में छिपे इस मंदिर को देखा और इसे खोज निकाला। सन 1898 में पुरातत्वविदों ने कठोर परिश्रम करके अंकोरवाट के खंडहरों को जंगलों से मुक्त किया और लगभग 400 वर्ष बाद एक बार फिर सूर्य की रोशनी उन भव्य महलों मंदिरों तो और खंडहरों पर पराकाष्ठा के रूप में देखे जाते। इस मंदिर का निर्माण करने वाले लोग आखिर रातों रात अचानक कहां चले गए? आखिर कैसे यह मंदिर एक जंगल के बीच में कैद हो गया? यह रहस्य आज भी बरकरार है क्योंकि कोई भी इस बात का सही से पता नहीं लगा पाया। दोस्तों 1898 में जब यह मंदिर जंगल से आजाद होकर दुनिया के सामने आया तो लोगों के आश्चर्य की कोई सीमा ना रही। और नहीं तो क्या, और तभी से यह मंदिर कंबोडिया की पहचान बन गया। तो भारत सहित तमाम देशों के लोग इसे देखने के लिए आज भी कंबोडिया जाते हैं। कंबोडिया का टूरिज्म भी इसी मंदिर पर है। इसको ठीक करना चाहिए, मंदिर की तरह चप्पल उतार के जाओ, सब होना चाहिए पर अंकित है। तो दोस्तों क्या सोचना है आपका आज के इस वीडियो के बारे में, कमेंट अवश्य करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। What an amazing video यार, इतना सुंदर है। पहले भी हमने कई जगह पे वीडियोस में इनको इसको मंदिर को देखा और यही था कि हर भाई बोलते ठीक हो रहा है। मॉर्टल कॉम्बैट, मॉर्टल कॉम्बैट भी इसी में थी। मैं वही कह रही हूँ, मगर अगर ये लोग नहीं कर सकते ठीक, तो इंडिया ऐसा नहीं हो सकता कि हम ले लें कि अच्छा हम इसको ठीक करेंगे, ये हमारे अंडर हो जाए। कुछ जाते हैं इंडिया के स्पेशलिस्ट वहाँ जाते हैं यार, नहीं इसको बिल्कुल ठीक हो जाना चाहिए, कुछ भी क्रैक रुक नहीं होना चाहिए। थॉट वो तो उनकी कंट्री में है, उनकी कंट्री उनको इतना सुंदर और मंदिर की तरह होना चाहिए। ये नहीं कि टूरिस्ट जा रहे हैं जी कोई मॉन्यूमेंट देखने, मंदिर की तरह चप्पल उतार के और उस टाइप से हो सब। एक थॉट प्रोसेस ये था कि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट टेम्पल इंडिया में होना चाहिए, इससे बढ़िया, इससे ह्यूज, इतना ही वैसी कार्विंग। और मोदी जी ने कहीं ना कहीं ऐसा था, देखा उसे वो राम मंदिर जो हमारा बन रहा है वो नहीं होगा उस इससे बड़ा क्या? आई डोंट नो, प्लीज बताओ। मुझे लग रहा है कि होप तो यही है कि लार्जेस्ट टेंपल, हिंदू टेंपल ऑन अर्थ जो है इंडिया में ही होना चाहिए। पूरा लैंड लेके इतना जबरदस्त बनाओ जो टक्कर दे कार्विंग्स में भी, जैसे कार्विंग कूविंग के बिल्कुल ऐसे उससे। पर यार ओल्ड जो होता है ना वो फिर उसकी तो अलग होती है, तो इतना काम हुआ और उस जमाने में हुआ हो तो सोचो पत्थरों में वो तो इतना जबरदस्त है कि जैसे कह रहे हैं चमत्कार है। मैं तो लग रहा चमत्कार है, कोई नहीं बना सकता यार, इट्स इम्पॉसिबल। हर एक इतना ऊंचा कार्विंग,
हर एक इंच बारीक बारीक, मैं तो समझ नहीं आया, इतनी कार्विंग आई डोंट नो, मैं तो समझ नहीं आया, ह्यूज है। तभी उनको लगा कि हमारी धरोहर है, उन्होंने अपने फ्लैग को लगाया। कंबोडिया इज अ पुअर कंट्री, गरीब कंट्री है, जितना पैसा आता होगा कुछ एलोकेट करते होंगे इसके, ठीक ठीक, क्योंकि टूरिज्म काफ़ी आता है और वहाँ पे इम्प्रूव कर रहे हैं मोस्ट लाइकली, जैसे जैसे उनकी कंडीशंस बेटर होंगी। यार पर बहुत स्लो, और इंडिया भी जहाँ तक मुझे पता है इंडिया भी कुछ डोनेट करता है टेंपल के लिए, कि टेंपल को आप ठीक ठाक करने के लिए इंडिया टेक ओवर ही कर लो, कि हम टेक ओवर करेंगे और जो भी रेवेन्यू आता है उससे उससे टेक ओवर करके उसको ठीक करते जाएं। और उसमें कुछ जैसे इंडिया भी डोनेट करता है, लोगों को भी भेजता है रेनोवेशन के लिए, कोई वॉलंटियर जो है वो जाके हेल्प करें हमारे इंडिया से, जिनको इस बारे में इसको ठीक करने की नॉलेज हो। यार इसको ठीक, मगर ये देखने वाली बात है, दुख बड़ा है कि सब कन्वर्ट, कैसे इतना फ्लरिशिंग हिंदुइज्म था, दुख होता इवेंचुअली कैसे वो कैसे पूरा जीरो हो गया, इतना जीरो हो गया कि पूरे वहाँ पे लोगों ने जाना बंद कर दिया, पूरे जंगल बन गए और सब के सब जो है बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए। ये इसीलिए ना, क्योंकि हम लोग जो है कोई कन्वर्जन और उस टाइप से मैं बिलीव नहीं करते ना, हम कहते हैं जिसको जिसको आना है अपने आप, आपको हिंदुइज्म के बारे में पता चले आप अपने आप आओ, बाकी जगहों पे वो सिखाते हैं अपने रिलीजन के बारे में बताते हैं, उनको बोलते होंगे कि भैया आप कन्वर्ट करो अगर आपको ये पसंद है, वो डिफरेंस है, इसलिए ये चेंजेस आ रहे। दुख होता है यार देख कर, पर ये टेम्पल तो अमेजिंग है यार, बहुत ही सुंदर, अमेजिंग। तो चलो फ्रेंड, जैसे इंडिया की पावर बढ़ रही है, एवरीथिंग विल बिकम, आई होप सो। ये मेरे को ये टेम्पल जो है ना वो बिल्कुल जैसे उस टाइम में होगा वैसा बन जाए तो बड़ी खुशी होगी। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।